बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स फ्रॉम शाह लतीफ़ मॉडल हाई स्कूल डहरकी, क्लास 9th, सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़, लेक्चर नंबर 11, चैप्टर नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लर्निंग आउटकम्स आए हैं, द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1, नंबर 2 आए द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, नंबर 3 सेलियंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नंबर 1 टॉपिक आए द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, ना कॉन्स्टिट्यूशन जी नीड छजलाए आए, जरूरत छजलाए आए। Constitution means a set of basic laws and regulations which are necessary for running the administration of a state with an objective that people may lead an independent, disciplined, peaceful and happy life. And Constitution ji mana aaye, aain ji mana aaye, Constitution mean aain. Aain ji mana aaye, wo kanoon, wo kaida जेके कहें बे स्टेट के कहें मुल्क के कहें इलाके के हलायण जे लाए उनजे जेके मकासिद आहिन उहे माण्हुनि जे लाए कीअं इस्तेमाल कया वञनि, उन्हनि जी जेकी ज़िंदगी आहे माण्हुनि जी उहा आज़ाद उसूलनि वारी, अमन अमान वारी ऐं ख़ुश ख़ुरम ज़िंदगी कीअं गुज़ारनि उहे। कॉन्स्टिट्यूशन जी मीनिंग आहे त उहे बुनियादी कानून जेको जंहिंसां कंहिं बि स्टेट जो कंहिं बि स्टेट जे लाइ ज़रूरी आहे, त उते जेके माण्हू रहनि था पिया उहे पंहिंजी आज़ादु ख़ुदमुख़्तियार उसूलनि वारी, अमन अमान वारी ऐं ख़ुश ख़ुरम ज़िंदगी कीअं गुज़ारनि था। इहे हिकु आम माण्हू जे लाइ माना की कॉन्स्टिट्यूशन जेके आहिनि उहे ठाहिया वेंदा आहिनि। हाणे कॉन्स्टिट्यूशन कॾहिं ठहियो, सभु खां पहिरीं जेके इंसान हुया, इफ़ वन लुक्स एट द हिस्ट्री माना के तारीख़ में ॾिसूं, हिस्ट्री में ॾिसूं था ऑफ मैनकाइंड, इंसान जी तारीख़ में ॾिसूं था, वन वुड फाइंड दैट द प्रिमिटिव मैन लिव्ड इन स्मॉल फैमिली यूनिट्स, त माण्हू जेके हुया उहे नंढी नंढी फैमिली जे माना हिसाब सां रहंदा हुया, नंढा नंढा फैमिली यूनिट जीअं कंबाइंड फैमिली हूंदी आहे ईअं रहंदा हुया माण्हू। ईच फैमिली यूनिट हैड इट्स ओन रूल्स एंड अ वे ऑफ लिविंग, हर फैमिली जा पंहिंजा उसूल ऐं क़ाइदा हूंदा हुया ज़िंदगी गुज़ारण जा। लेटर दीज फैमिली यूनिट्स मर्ज देमसेल्व्स इनटू बिग और स्मॉल ट्राइब्स और मीट देयर इकोनॉमिक सोशल एंड डिफेंस नीड्स। बाद में छा थियो, ये जेके फैमिली यूनिट्स हुया उहे वरी छा में मर्ज थी विया, छा में अॻिते हली करे माना उहे शामिल थी विया, इनटू देम सेल्फ इनटू बिग और स्मॉल ट्राइब्स, नंढा ऐं वॾा कबीले जी सूरत में, नंढे वॾे कबीले जी सूरत में जेको आहे उहे माना वधी विया, शामिल थी विया हिक ॿिए में। पोइ उन्हनि जो जेके माना इकनॉमिकली सोशली ऐं उन्हनि जी डिफेंस नीड जेके हुयूं, उन्हनि जी हिफ़ाज़त जूं जेके ज़रूरियात हुयूं उहे बि वधी वियूं। जॾहिं हिकु नंढी फैमिली हूंदी आहे उनजी ज़रूरियात ज़िंदगी बि महदूद हूंदी आहिनि, हिकु वॾी जेकी फैमिली आहे उनजी ज़रूरियात ज़िंदगी वरी ओड़े हिसाब सां माना ख़र्चा उनजो इस्तेमालु आहे, उनजी ज़रूरियात आहिनि हर माण्हू जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखणु, मीन्स के उहो कमु वधी वेंदो आहे। पोइ एज़ टाइम पास्ड एंड पॉपुलेशन इनक्रीज़्ड they failed to organize themselves into much bigger units within a certain territory, man kuch time jene vadhyo agte halyo ai abadi je kiya badhan lagi, they failed to organize ponen cha mehsoos kayo manun themselves into much bigger units,
विदिन अ सर्टन टेरिटरी, माना उन्हनि खे जेको आहे अञा बि वधीक जेको आहे माना इलाइक़ा जेके आहिनि उहे मिलणु घुरिजनि, छो त उन्हनि जी जेकी आहे जॾहिं फैमिली वधी वियूं, ट्राइब्स वधी वियूं, वधी विया कबीला, ऐं जेको आहे उन्हनि जो आबादी बि वधी वई उन्हनि में कबीलनि में, त पोइ ज़रूरत बि लाज़मी तौर ते वधे थी। जॾहिं आबादी वधे थी त ज़रूरत बि वधे थी हर शइ जी, अहिड़े हिसाब सां उन्हनि खे जेको आहे इलाइक़ा बि माना वॾा घुरिजनि पिया। दिस फाउंडेशन ऑफ अ टेरिटरी वॉज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन। फ्रॉम हेयर द डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स इमर्ज। पोइ छा थियो, दिस फाउंडेशन ऑफ अ टेरिटरी माना की इहा बुनियाद आहे उन रियासत जी, जेकी हिकिड़ी माना बुनियादी तौर ते ज़बान, कल्चर आहे, रस्म रिवाज, ट्रेडिशन आहे। पोइ माना उन इलाइक़नि जी या उन मुल्कनि जो जेको आहे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जो कल्चर, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं ज़बानूं, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जो रस्म रीत रिवाज अची जेको आहे हिक ॿिए में माना मिक्स थियणु लॻा। माना कल्चर आहे, रस्म रीत रिवाज आहिनि, ज़बानूं आहिनि, इहे माना जॾहिं आबादी वधणु लॻी त इहे शयूं जेके आहिनि मिक्स थियणु लॻियूं सभिनी में। अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस केम इन टू एग्ज़िस्टेंस टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट और कंट्री। पोइ केतिरियूं ई तादाद में इंस्टीट्यूशंस ठही विया जंहिंमें जेको आहे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट और कंट्री माना मुल्क जी एडमिनिस्ट्रेशन जे लाइ, मुल्क जे जेके कमकार हुया, क़ाइदा कानून हुया, या उन स्टेट जी एडमिनिस्ट्रेशन जे लाइ माना केतिरा ई इंस्टीट्यूशन जेके साम्हूं अची विया। Rules and laws were framed for each institution. माना क़ाइदा ऐं कानून जेके हुआ उहे हर इंस्टीट्यूशन में माना हिकिड़े ई क़िस्म जा जीअं फ्रेमवर्क हूंदो आहे, हिकु ई क़िस्म जो कमु हूंदो आहे, उन्हनि जो हिकिड़ो ई कमु हुयो उन्हनि जो। द इंडिविजुअल्स वर अपॉइंटेड टू रन दीज इंस्टीट्यूशंस। इन दिस वे अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट केम इन टू बींग। पोइ छा थियो, जॾहिं क़ाइदा कानून लागू थी विया स्टेट में कमु करण जे लाइ, एडमिनिस्ट्रेशन जा इंस्टीट्यूशन क़ाइमु थी विया, इदारा क़ाइमु थी विया, त पोइ रूल्स एंड रेगुलेशन्स बि जेको आहे माना के अञा चेंज थींदा विया। पोइ आख़िरकार माना उन सॼे एडमिनिस्ट्रेशन खे कंट्रोल करण जे लाइ, उन सॼनि इलाइक़नि खे कंट्रोल करण जे लाइ, उहे अलॻि अलॻि जेके ट्राइब्स हुया उनखे कंट्रोल करण जे लाइ माना हिकिड़ी गवर्नमेंट घुरिजे पई, हिकु अहिड़ी गवर्नमेंट जेकी उन सभिनीनि खे मिलाए करे हलाए, उन्हनि सभिनीनि जा प्रॉब्लम हिकु माला सॉल्व करे, ऐं उन्हनि जे लाइ जेको आहे इदारनि जी हेल्प वठे। जॾहिं गवर्नमेंट जो मुदाख़लत अची वई, जॾहिं गवर्नमेंट जेको आहे हुकूमत करण वारा, गवर्नमेंट मीन खे हुकूमत करण वारा हुकुमरान रूलर, पोइ जॾहिं रूलर जी ज़रूरत पइजी वई त पोइ उन्हनि खे वरी कुझु माण्हू अहिड़ा खपनि माना उन्हनि माण्हुनि जी बि ज़रूरत पइजी वई जेके रूल हुकुमरान थियण जा अहल हुजनि। माण्हुनि जी बि त ज़ाहिर आहे उहे अहल जेके हूंदा, एबिल जेके हूंदा, उहे माण्हू हुकूमत कंदा न। हर आम माण्हू जो कमु नाहे इहो जेको सम्झी सघे या उहो कमु करे सघे, जेके ख़ासि तौर ते माण्हू न सिखी करे ईंदा आहिनि, ईअं हर आम माण्हू नाहे करे सघंदो। ईअं अहिड़े हिसाब सां मीन्स के कॉन्स्टिट्यूशन जी ज़रूरत तॾहिं पवंदी आहे जॾहिं माण्हुनि जा जेके रूल्स एंड रेगुलेशन्स आहिनि, क़ाइदा कानून लाज़मी तौर ते माण्हुनि ते फॉलो कराया वेंदा आहिनि। एडमिनिस्ट्रेशन जेकी आहे स्टेट जी, उन जा जेके मक़ासिद हुजनि उहे इहे हुजनि त माण्हू कीअं आज़ादु ज़िंदगी गुज़ारनि, उसूल परस्ती सां कीअं ज़िंदगी गुज़ारनि, अमान अमान वारी ज़िंदगी कीअं गुज़ारनि, ऐं ख़ुशो ख़ुरम ज़िंदगी कीअं गुज़ारनि। एडमिनिस्ट्रेशन जो हिकिड़ो इहो ई कमु माना के लाज़मी तौर ते करिणो आहे। नेक्स्ट टॉपिक आहे
द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन माना करारदार ज मकासिद 1949 में जी करारदाद पास कई वही हुई उन मकासिद हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ पाकिस्तान माना तारीख में जैसे पाकिस्तान ठो ए कॉन्स्टिट्यूशन ठो द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड अ बेसिक स्टेप टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन माना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हुआ वो तमाम एक अहम डॉक्यूमेंट आ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आ अहम डॉक्यूमेंट है एंड अ बेसिक स्टेप माना कि बुनियादी कदम है छे लाइ टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन माना कॉन्स्टिट्यूशन के ठाण के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तमाम अहम डॉक्यूमेंट है बेसिक स्टेप है जो कॉन्स्टिट्यूशन ठाण के लिए कम अचे तो इट वॉज अप्रूव्ड ऑन March 12, 1949 यो जैसे अप्रूव थो उनके जैसे अप्रूवल मिली मंजूरी मिली तो वो हुयो 12 March 1949 में इनके अप्रूवल मिलो इन दिस रेजोल्यूशन इस्लाम वॉज डिक्लेयर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान माने इन रेजोल्यूशन इन करारदाद या इन कानून के मुताबिक पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन भी इस्लामी बुनियाद से ही ठाया वो आइन जो है पाकिस्तान जो वो भी इस्लामी बुनियाद से ही ठाया वो इट वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट ऑल पावर्स एंड सॉवरेनिटी रेस्ट विद अलमाइटी अल्लाह माना इन शे जो ऐलान लाजमी तौर पर किया वो तो ये सब जी कायनात है वह अल्लाह ताला जी पैदा करदा है वो ही सुपर पावर है द गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम माना कि आज़ादी जो सुनहरी उसूल इक्वेलिटी बराबरी सोशल जस्टिस समाजी इंसाफ एंड डेमोक्रेसी इनिशिएटेड बाय इस्लाम विल बी इन्फोर्स्ड इन ऑर्डर टू इनेबल द पीपल टू लीड देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम माना कि जो इस्लाम जा सुनहरी उसूल आज़ादी जो सुनहरी उसूल वे ये बराबरी समाजी इंसाफ ए जमहूरियत जी इस्लाम के माना दायरे में रही कर जमहूरियत जी आज़ादी दिनी वही इस्लाम के तालीमात के मुताबिक माना इन मू मून के फराहम कर आज़ादी मानून के वह आज़ादी फराहम करण जी इस्लाम के दायरे में इस्लाम के लिमिट्स में हुए वह आज़ादी मानून के फराहम करण द एम्फेसाइज ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स वॉज लेड बिकॉज इट वॉज अ क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट टू अचीव अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वेयर दे कुड लिव According to the teaching of their religion, it was therefore necessary that Islam should form the basis of state policy and government. हाँ ये माना जो आज़ादी जो सुनहरी उसूल हुआ इस्लाम के तौर तरीक़ मुताबिक फराहम करने लाइ मानून के माना फराहम करने लाइ फराहम कया वेंदा आहिनि उनमें माना के अलग इस्लामी रियासत पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में जेका इस्लाम मुसलमानन के लिए हासिल कई वही उनमें माना इस्लाम के तौर तरीक़न के मुताबिक मजहबी तौर तरीक़न के मुताबिक जो है वह पॉलिसीज अख्तियार कई वेंद गवर्नमेंट के भी माना इन पॉलिसीज के फॉलो करने जो पूरो अख्तियार है सेलियंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हाँ सेलियंट फीचर्स कड़ा कड़ा माना कि खास खास जो नुकता जो फीचर्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जहाँ वो कड़ा कड़ा सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह द पॉलिटिकल पावर इज अ सेक्रेड ट्रस्ट विच शैल बी एक्सरसाइज बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय इस्लाम
सॉवरेनिटी ओवर ओवर द इंटायर यूनिवर्स, माना के ये दुनिया है कायनात ये किया हुआ अल्लाह ताला ही पैदा किया, उन्हीं से ही ताल्लुक रखे थी। द पॉलिटिकल पावर इज़ अ सेक्रेड, माना के जेके मजहबी सॉरी सियासी जेके पावर्स आहिन लिमिट्स आहिन उहे मजहबी तौर तरीक़नि सां माना के उनखे इस्तेमालु करण जे लाइ ऐं जेके इस्लाम जूं लिमिट्स आहिनि उन खां हद क्रॉस कर नाहे करणी। इस्लाम जी लिमिट्स में, इस्लाम जी लिमिट में रही करे, इस्लाम जी जेके लिमिट्स ॾिनियूं आहिनि प्रिस्क्राइब, उनखे प्रिस्क्राइब माना ममनूर ममनू करार ॾिनियूं आहिनि इस्लाम जे हदूद में, जेके ॻाल्हियूं ग़लति करार ॾिनियूं वियूं आहिनि उन्हनि खे पंहिंजी लिमिट्स क्रॉस नाहे करणी, उनखे ममनू करार ॾिनो वियो आहे, तूं ममनू ई रहंदियूं। उहो असांजे लाइ माना के उनखे फॉलो करणु ग़लति आहे। इहो इस्लाम जे ई कानून जे तौर तरीक़नि जे मुताबिक़ जेको इस्लामी रियासत आहे उन में उहे ई उसूल लागू कया वेंदा आहिनि। द प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इक्वेलिटी एंड सोशल जस्टिस इन इनिशिएट बाय इस्लाम शैल बी इनफोर्स विद इन द कंट्री। हाणे द प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट एंड उसूल जेके आहिनि डेमोक्रेसी जा ऐं कॉन्सेप्ट जेको आहे डेमोक्रेसी जो जमहूरियत जो उहो कॉन्सेप्ट कहिड़ो आहे, इक्वेलिटी एंड सोशल जस्टिस बराबरी ऐं समाजी इंसाफ़, इहो डेमोक्रेसी जो पहिरियों उसूल आहे, बराबरी ऐं समाजी इंसाफ़। इहो जेको आहे असांजे इस्लाम में बि माना के इहो उसूल लागू कयो वियो आहे, बराबरी असांजे इस्लाम में हर इंसान खे ॿिए इंसान ते कंहिं ॿिए क़िस्म जी बर्तरी नाहे ॾिनी वई, छो त अलाह साईं जॾहिं जेका इंसान पैदा कया आहिनि सभु बराबरि आहिनि, हिकु जहिड़ा आहिनि, रंग नसल ज़ात पात जो कंहिं ॿिए क़िस्म जो जेको आहे माना फ़र्क़ु बिल्कुलु बि नाहे, ऐं उहो जेको आहे माना असांजे इस्लामी उसूलनि जे ख़िलाफ़ु आहे, कंहिं क़िस्म जो माना सोच में जेको समाजी इंसाफ़ आहे उहो न मिले ऐं बराबरी बि न मिले। मुस्लिम्स शैल बी इनेबल टू लीड देयर इंडिविजुअल एज़ कलेक्टिव लाइफ इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल सेट इन द होली क़ुरान एंड सुन्ना, माना कि होली क़ुरान ऐं सुन्ना जे मुताबिक़ उन उसूलनि जे मुताबिक़ जेको आहे ज़िंदगी गुज़ारण जे लाइ जेके इस्लाम जा उसूल ऐं होली क़ुरान जा उसूल आहिनि उनजे मुताबिक़ ई पोइ चाहे उहो माण्हू आज़ादु ज़िंदगी गुज़ारे या जेको आहे कंहिं ग्रुप जी शकल में गॾिजी सॾिजी ज़िंदगी गुज़ारे या आज़ादु ज़िंदगी गुज़ारे, हलणो कंहिं ते आहे इस्लाम जे जेके ऐं ओली क़ुरान क़ुरान शरीफ़ ऐं सुन्नत जा जेके उसूल आहिनि उन्हनि जे मुताबिक़ जेको आहे मुसलमाननि ते लाज़मी तौर ते इहे उसूल लागू थियल आहिनि। द राइट्स ऑफ द मिनोरिटीज़ शैल बी प्रोटेक्टेड, माना जेके मिनोरिटीज़ में जेके अक़लियत में आहिनि माण्हू उन्हनि जेके हक़ूक़ आहिनि उन्हनि खे प्रोटेक्ट करिणो आहे। दे विल हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन एंड प्रोमोट देयर ओन कल्चर, उन्हनि जे लाइ जेको माना आज़ादी आहे मज़हबी आज़ादी ऐं उनजो जेको कल्चर आहे उन्हनि खे प्रोमोट करणु ऐं उनखे जेको आहे उनजी दिलि आज़ारी न करणु। पाकिस्तान शैल बी अ फेडरल स्टेट, पाकिस्तान जेको आहे हिकु आज़ादु रियासत आहे, वफ़ाक़ी रियासत आहे। द प्रोविंसिस विल इंजॉय ऑटोनॉमी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐं जेके सूबा आहिनि उन्हनि जी बि ख़ुदि मुख़्तियारी जेकी आहे उहा बि माना लिमिट्स करार उन्हनि जो हदूद जेके आहिनि लिमिट्स जेके आहिनि उन्हनि ते लागू थियल आहिनि सूबनि ते, लेकिन उन्हनि जी जेकी अथॉरिटी आहे उहा पंहिंजी जाइ ते क़ाइमु आहे कॉन्स्टिट्यूशन जे हिसाब सां, आइन जे हिसाब सां जेके उन्हनि जूं लिमिट्स आहिनि उहे उन लिमिट्स जे हिसाब सां पंहिंजी जेकी आज़ादी आहे उहा पंहिंजी इंजॉय करे सघनि था जेके प्रोविंसिस आहिनि मुल्क जा। द बेसिक राइट्स ऑफ द पीपल एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी विल बी गैरंटीड, जेके बुनियादी हुकूक़ आहिनि माण्हुनि जा एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऐं जेके आज़ादु अदलिया आहे उहा बि सभु इंसाननि जी सभु जेके माण्हू रहनि था पिया मुल्क में उन्हनि जे लाइ गारंटीड आहे त उहो पंहिंजो उन्हनि खे इंसाफ़ु ॾियारण जी कोशिशि करनि। आफ्टर द ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन वॉज़ पास्ड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस वॉज़ टेकन इन
हैंड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। इन्हीं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ठाण जो प्रोसेस शुरू थी वो पे दफो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जी हुई माना के इलेक्टशुदा इस कौमी असेंबली जी हुई उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन ठाण जो प्रोसेस शुरू किया। नंबर ऑफ कमेटीज वर कॉन्स्टिट्यूटेड माना केतरा ही उनमें जी इलेक्टशुदा मेंबर हुआ कमेटी जहाँ उनमें शामिल हुआ। दीज कमेटीज आफ्टर डिटेल्ड स्टडी सबमिटेड देयर रिपोर्ट टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। यह जी कमेटी हुई इन जो पूरी डिटेल जी स्टडी कई वो डिटेल जी असेंबली में सबमिट कराई वही वह रिपोर्ट जी असेंबली में सबमिट कराई वही। बट द रिकमेंडेशन कुड नॉट बी मेटरलाइज्ड एंड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज डिजॉल्व बाय द देन गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ऑन अक्टूबर 24, 1954। यानी कि यह जी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई माना कि इलेक्टशुदा असेंबली उन्हीं बाद में जो यो डिजॉल्व कर छोड़ो कॉन्स्टिट्यूशन बाय द देन गवर्नर गुलाम मोहम्मद अक्टूबर 24, 1954 में यो कॉन्स्टिट्यूशन जो डिजॉल्व किया वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। हैंड्स ड्यूरिंग द 7 years ऑफ स्टे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उनका 7 साल का बाद में 1947 का वी 1954 में 7 साल का बाद में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री कुड नॉट बी प्रिपेयर। 7 साल कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार न थी सको। 24 अक्टूबर 1954 में माना यह कॉन्स्टिट्यूशन डिजॉल्व किया वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी डिजॉल्व कई वही। जनरल गुलाम मोहम्मद खान जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद खान यह असेंबली डिजॉल्व कर छी 7 साल जो बाद में वरी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं थी सको। ड्यू टू द पॉलिटिकल क्राइसिस माना कि सियासी जो क्राइसिस हुआ उनकी वजह का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार न थो। द स्ट्रगल फॉर पावर अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज बाद में जो सब पॉलिटिकल पार्टीज सियासी पार्टियों कोशिश कंदी रहूं तो यो क्राइसिस जो खत्म थियन ए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार थी वाले। इन 1955 में द 4 provinces ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वर मर्ज इंटू 1 province मन 4 सूबा जो हुआ उ वेस्ट पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान जो ओलह वो हिस्सो हो उनमें उ मर्ज थी कर एक यूनिट करार दिनों वो। द मेंबर्स ऑफ द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन तो जो डायरेक्ट इलेक्शन में उ इलेक्ट थी कर आया बीहर उन मेंबर जो हुआ दिस असेंबली सक्सीडेड इन प्रिपेयरिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री पची बाद में कामयाबी से उन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करायो। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए व्हाई इज अ कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी फॉर अ कंट्री मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन छो जरूरी है। नंबर 2 व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जा केड़ा अहम फीचर्स हुआ या केड़ा अहम नुक्ता हुआ वो तुम बुदायो वह क्वेश्चन है तुम्हारे लिए इन सजे जो तक लेक्चर दिनों उनमें कॉन्स्टिट्यूशन जो हो छो जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन कें स्टेट के लिए कें मुल्क के लिए सब का पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ठाने की जरूरत कि पी ए छो पी पे मू जो हुआ नंबे फैमिली यूनिट में रहा हुआ बाद में जो उन्होंने फैमिलीज वी वो तो एक कबीलन की शक्ल में वे वे ग्रुप की शक्ल में रह लगा बाद में वह ग्रुप जो जैसे आबादी वी वही तो उन्होंने वे वे इलाक की जरूरत पे वही जैसे इलाका बढ़िया आबादी बढ़ी तो उनकी जो है जरूरतों भी बढ़ियों उनका सिस्टम भी बढ़िया उनकी जो है बाद में एक अड़ी अथॉरिटी की जरूरत पे वही जो माना उन्होंने वही कर सभी जहाँ मसला मसाइल हल कर आम मानून सा मिली कर मशवरे से जो माना मसला मसाइल हल कया वन उनके चबो है कॉन्स्टिट्यूशन जो एक आम मानू की अमन अमान वाले जिंदगी जी जमानत हुए
ऐं ख़ुशी ख़ुशुखुरम ज़िंदगी ज़मानत हुजे, उहो कॉन्स्टिट्यूशन जेको आहे कामयाबु कॉन्स्टिट्यूशन आहे। हुन खां बाद में ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन हुयो 1949, सेलियंट फीचर्स हुन जा हुया त कीअं जेको आहे उहो ठहियो बि ऐं ख़तमु बि कयो वियो, ऐं ॿीहर 7 सालनि ताईं कोई बि कॉन्स्टिट्यूशन तयारु न थियो। बाद में 1956 में जेको आहे वरी ॿीहर 7 सालनि खां पोइ कॉन्स्टिट्यूशन तयारु करायो वियो। तव्हांजे नेक्स्ट लेक्चर जो टॉपिक बि इहो ई आहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर द ऑनलाइन लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।